Bye gitu. तो आज दोस्तों सुबह से लगा हुआ हूँ मैं और इतने सारे काम किए मैंने आज, तो मैं सारे नहीं डाल सकता हूँ आज इस ब्लॉग में, पर फिर भी मैं बता सकता हूँ कि मैं क्या किया। मैंने सबसे पहले गया मैं, जो हमारा वैक्सीन लग गया था उसका, वो भाई साहब ने अपडेट नहीं किया था आधार कार्ड में। क्यों निशा, जल्दी आओ, मेरा नाक चल रहा है थोड़ा सा। मेरा भी नाक चल रहा है। तो वो भाई साहब ने क्या नहीं किया था, हमारा अपडेट ही नहीं किया था, इसके कारण आज हो गई है 8 तारीख, आठ ना है? नहीं, आज हो गई है 12 तारीख, हमने लगाई थी 4 तारीख को, तो 8 दिन लेट। बट आज जाके उसको रिमाइंड कराया, फिर उससे वो आधार कार्ड में चढ़ा। हाँ। तब वहाँ से फिर हम दूसरे काम के लिए गए, इसका वोटर आईडी कार्ड बन गया है, तो वो कहीं है उसमें, बन गया है, वो आ गया है, वो कहीं है। हाँ। तो वो फाइंड आउट करने गए थे, वो नहीं मिला आज, एक दो दिन में वो मिल जाएगा, तो हफ्ते भर में मिल जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग सब्जी मंडी, सब्जी में बहुत सब्जी मंडी में, मतलब इतना कीचड़ था, इतना कीचड़ था कि हम लोग बाइक लेके अंदर गए नहीं, बाहर ही रहना पड़ा। फिर वहाँ से सब्जियाँ लेकर के आया, मैं बहुत परेशान हो गया कीचड़ में जा जा के लेकर के आया। फिर उसके बाद रोगी का खाना खत्म हो गया था और रोगी को लूज मोशन हो रहे थे, लूज मोशन, हाँ लूज मोशन, तो रोकी को लूज मोशन होकर रखे थे, तो उसके लिए मैंने फिर खाना लेके आया। फिर उसके बाद और क्या था, हाँ घर का सामान लेके, तो उसके लिए गए। तो आज पूरा दिन बिजी रहा और ट्रैफिक के कारण मेरा नाक चल गया है, क्योंकि ट्रैफिक में जब भी मैं जाता हूँ, धूल डस्ट प्लेस ऐसे पे जाता हूँ, तो मेरा नाक चल जाता है और मास्क पहनना पड़ता है। आपके पास तो जब सेल्फी स्टिक है तो आप ऐसे क्यों करवाते हैं? नो प्रॉब्लम, ऐसे आदत पड़ गई है ब्लॉग बनाने की। तो इतने सारे काम किए और जो फिर जिम गया, और 1 घंटा मैं कैसे एक्सरसाइज करता हूँ, जब मैं जल्दी जल्दी जाता हूँ और जल्दी जल्दी एक्सरसाइज करता हूँ तो वो कैसी। और फिर उसके बाद में बस सूप पियेंगे। आज दिन में थोड़ा बाहर साइड से खाया था, तो हाँ। वो मेरा मन नहीं था दिखाने का और मेरा नाक भी चल रहा था, तो मैं थोड़ा सा परेशान सा था, वैसे परेशान नहीं, नाक से परेशान था। वैसे मैं कभी परेशान नहीं होता हूँ, क्योंकि मैंने डिसाइड करके रखा हुआ है, चाहे कुछ भी हो जाए आई विल बी हैप्पी, आई एम हैप्पी एंड आई विल बी ऑलवेज हैप्पी। इसका मतलब ये है कि मैं हमेशा खुश रहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। पहली बात। दूसरी बात, मुझे चाहे लोग कितनी भी नफरत करें, चाहे किसी भी नाम से पुकारे, चाहे कुछ भी कहे, मैं सबको प्यार करते रहूँगा, करता हूँ और करते ही रहूँगा। लव इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन लाइफ। जीवन चलाने के लिए सबसे ज़रूरी है प्यार, चाहे वो आप किसी से भी करते हो, और नफरत से कुछ नहीं हो सकता, नफरतों को मिटाने की कोशिश करते रहना चाहिए। ये मेरा फंडा है लाइफ का। मेंटली हमेशा फिट रहता हूँ, सुबह मेडिटेशन कर लेता हूँ, फिर बॉडीली जिम जाता हूँ, और जिम मैं अपनी बॉडी से बहुत प्यार करता हूँ, इसीलिए उसको हमेशा मेंटेन रखता हूँ। मेंटली कुछ अच्छी बुक्स रीड करता हूँ, अच्छे मैसेज रीड करता हूँ, मुरली पढ़ता हूँ, और फिजिकली अच्छा खाना खाता हूँ, बहुत अच्छा खाना खाता हूँ। तो इसी तरह लाइफ को मैं भी एडवाइस दूंगा कि आप अच्छा खाना खाइए, अच्छी अच्छी किताबें पढ़िए और अच्छी तरह से रहिए, ऑलवेज खुश रहना चाहिए। क्यों, क्या बोलती हो, कुछ तो बोलो। चलो ये बोल रही आई लव यू, तो मैंने बोल दिया आई लव यू टू। ठीक है, तो ये लाइफ ऐसे ही चलता रहता है, खुश रहो और खुशियाँ बांटते रहो, चाहे कुछ भी हो यार। पैसा तो आज है, कल नहीं है, कल परसों फिर है, तो रोज पैसा होना ही चाहिए। और कंफर्ट अपनी जगह है, थिंग्स अपनी जगह है, सिचुएशन आती रहेंगी जाती रहेंगी। तो गाइज, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर देना प्रेस, ताकि आने वाले सारे ब्लॉग्स की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तुम क्या कुछ बोलोगी कि नहीं, मैं ही बोलूँ सारा, और कमेंट कर देना। हाँ, तो निशा ने बोला है कि भाई कमेंट कर दिया करो, जरूर कर देना, क्या पार्ट अच्छा लगा है, क्या इम्प्रूव करना चाहिए। और कुछ लोग, मेरे दिमाग में ऐसा आ रहा था कि भाई कौन सा फ़ोन हम लोग यूज़ करते हैं, तो सैमसंग का है 5-1, यानी M51। ये फ़ोन से हम लोग ब्लॉग बनाते हैं, अगर इसके ऊपर ब्लॉग चाहिए तो मैं बना दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। बाय बाय, टेक केयर।